वो सेकंड रनर अप थे। चूंकि अवधेश प्रसाद जी जो अब सांसद बन चुके हैं, अवधेश प्रसाद जी ने जो एफिडेविट फाइल किया था चुनाव के समय, वो एफिडेविट पूरी तरीके से फॉर्ज था। उस एफिडेविट की नोटरी किसी ऐसे एडवोकेट के माध्यम से की गई थी जिसके पास नोटरी का लाइसेंस ही नहीं होता। आपको पता है नोटरीज एक्ट ये सीधा कहता है कि जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है आप कोई नोटरी नहीं कर सकते हैं, तो बिना नोटरी के लाइसेंस के वो नोटरी कर रहे थे। और अवधेश प्रसाद जी ने जानबूझकर वो ऐसे व्यक्ति से नोटरी कराई क्योंकि एफिडेविट में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने गलत डाली थी। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये बिल्कुल बहुत क्लियर है इस मामले में कि अगर आप कोई भी गलत जानकारी इलेक्शन कमीशन को देते हैं चुनाव के समय, आप जब एफिडेविट फाइल करते हैं तो कुछ भी कोई गलत जानकारी देते हैं, तो आपकी जो सदस्यता है विधानसभा की या जो संसद की जो सदस्यता है वो रद्द की जा सकती है, और रद्द कई मामलों में हुई भी है। इसी के लिए हमने इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाई कोर्ट में फाइल किया। अगर अदालत तैयार होगी इस बात के लिए, अगर अदालत आगे भी इस मामले को सुनेगी, तो हमारा अभी भी स्टैंड यही है। अभी भी ये मैटर हाईकोर्ट में चलेगा और हाईकोर्ट में हम इस बात को देखेंगे कि हम कैसे इस मामले को लोगों के सामने और माननीय उच्च न्यायालय को इस बात को बता पाएं कि ये जो एफिडेविट है, हालांकि वो हमने जो अपनी याचिका है उसके साथ RTI का जवाब सब कुछ, उनका जो उनका लाइसेंस नहीं है सब कुछ उसके साथ फाइल किया हुआ है। धन्यवाद।